वेलकम टू हाउस ऑफ पूर्णा। आजकल बारिश के मौसम में हमें रोज नई नई रेसिपीज, नए नए पकोड़े चाहिए, तो आज मैं आपके साथ पकोड़े की ही एक नई रेसिपी शेयर करूंगी जो एक हेल्दी भी है। ये है हमारा करी पत्ता, जो आप लोगों को बहुत आसानी से अपने घरों में लगा होता है, नहीं तो मिल जाता है। इसके लिए हमें सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, एक करी पत्ता और एक बेसन। तो आइए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब ये है हमारा बेसन, जिसमें मैंने नमक, मिर्च, अजवाइन और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालकर इसका एक घोल तैयार कर लिया है। इधर हमारा घी भी गर्म हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस करी पत्ते को इसी तरह से पूरा स्टिक के साथ ही लेना है, इसके पत्तों को अलग नहीं करना है, और इसको बेसन में डिप करना है। इस तरह से इसको पकड़ेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा बेसन है वो हमारे पॉट में निकल जाए, और इसको इस तरह से ऑयल में छोड़ देंगे। इस तरह से इसको दोनों तरफ से हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इसको प्लेट में लगाएंगे और इसके साथ कैप्सिकम चिल्ली सॉस सर्व करेंगे। आपको जो भी पसंद हो आप उसी सॉस के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये मेरा करी पत्ता पकौड़ा बनकर रेडी हो गया है, जिसको मैंने चिल्ली गार्लिक के साथ सर्व किया है। आप अपनी मनपसंद सॉस के साथ खा सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप देख पाएं। थैंक यू।